सो हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। सो द इलेक्शन रिजल्ट्स केम आउट एंड एवरीबॉडी वाज सो ईगरली वेटिंग फॉर इट एंड इट केम आउट एंड कांग्रेस केम विक्टोरियस। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम। आई होप दैट दे विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन एवर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई वॉज लुकिंग फॉर सम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। वन पॉलिटिकल स्टेटमेंट इज बिफोर द इलेक्शन बाय BJP and one is after the election by Congress. Please do listen to it carefully and later on we'll discuss about it. एक महत्वपूर्ण मसला जो है जो ट्राइबल में खास करके हमको देखने को मिला है, जिसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ, मैंने वहाँ के लोगों को अश्योरेंस दिया है। एक तो जो नो मीन्स नो का वहाँ पे एक मुहिम चली हुई है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सा नुकसान जो है वो प्रोजेक्ट्स में इलाकों को हुआ। मैं खुद जो है जब किन्नौर के अंदर आपका निगुलसरी में हादसा हुआ, मैं खुद वहाँ पे गया, परिवारों से मिले, तो एक आज एक औझांगी थोपन एरिया जो है वहाँ के लोगों ने भी इसका बहिष्कार किया, नोटा का समर्थन किया। तो इसके लिए हम वचनबद्ध है कि हम इसको उठाएंगे कि हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है बिना वहाँ के लोकल लोगों के कंसेंट के साथ नहीं बनने चाहिए। जो अब तक बन चुका है पर भविष्य में जो भी बनेगा वो लोकल लोगों के साथ बनेगा। दूसरा जो नौतोड़ का मसला है, ये भी ट्राइबल एरिया के लिए बहुत ज़रूरी है और ये वीरभद्र सिंह जी ने इसको उठाने का कार्य किया। ये डॉक्टर वाई एस परमार जी की सरकार में ये कानून लाया गया था और जितना भी नौतोड़ मिला है अधिकतर केसेस जो है वो कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ है। उसके लिए भी मैंने लाहौल स्पीति के लोगों को, किन्नौर के लोगों को हमने वचन दिया है कि हम इस मसले को, नौतोड़ के मसले को उठाएंगे, उनको ट्राइबल राइट्स मिलना चाहिए। एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट दिस नोटा एंड बायकॉट थिंग एंड इट हैज सच अ ग्रेट इंपैक्ट दैट विक्रमादित्य जी ही विद सच अ स्ट्रांग वर्ड्स टॉक्ड अबाउट इट एंड दैट वुड बी अचीवमेंट आई वुड से। देखिए, अभी मैं मानता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट इस प्रकार के लगने चाहिए आने वाले समय में, उन सारे पर एक बार पूरा स्टडी करें, क्योंकि जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो प्रोजेक्ट के कारण हो रही हैं या किसी और वजह से हो रही हैं, ये बहुत जरूरी है साइंटिफिक रिसर्च करना। और दूसरी बात, जहाँ लोगों ने वोट बायकॉट करने की जो बात कही है, उनके विषय हमारे तक आ गया और मैं उनसे अनुरोध करूंगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो चुनाव में हिस्सा लें, बैठ करके बात करेंगे, जैसा वो चाहेंगे उस तरह से काम करने की कोशिश करें। स्टेटमेंट जयराम ठाकुर जी RCM, हमारे CM, ही वाज क्वाइट क्लियर कि बातचीत होगी, बातचीत से रास्ते का हल निकाला जाएगा। बट नोबडी विजिटेड फ्रॉम BJP साइड द नेक्स्ट डे। ADM visited, but I assume that ADM visited because he was representing the state and state came and talked about that what they are doing and what are their plans to do. Apart from that, BJP didn't visit the place, so what should I take from them? आपको ज़्यादा जानकारी होगी तो please do share it with me. तो आपने दोनों political leaders को बहुत अच्छे से सुना, तो क्या निष्कर्ष निकाल पाएंगे आप? किसकी बात में ज़्यादा commitment है? है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचना ज़रूरी है। एंड व्हाट आई मेक आउट फ्रॉम इट इज दैट कि नाउ द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ BJP, BJP इज़ इन पावर नाउ, लेट्स वेट एंड वॉच कि आप BJP इन चीज़ों के ऊपर क्या स्टैंड लेती है। हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, एलिनेशन ऑफ ट्राइबल प्रॉपर्टी हो, नो तोड़ हो, FRA हो, दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। देखिए, हर इंसान सोशल जस्टिस से रिलेटेड बात करना चाहता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन देखिए जो संरक्षण हमें प्रोवाइड किया जा रहा है उन्हीं की अवहेलना हो रही है। अब सवाल ये रहता है कि यार ये सब हो क्या रहा है? देखिए, जनता जनार्दन ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कांग्रेस के फेवर में। लेट्स सी, अब गेंद जो है वो BJP के पाले में है, BJP किस तरीके से एक्ट करती है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। This is what democracy is, isn't it? A beautiful democracy, जहाँ पे ordinary people का भी say हो सकता है।